इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कायम क्यों कहते हैं? एक शख्स ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए फरजंदे रसूल, क्या आप सब आइमा कायम बलहक हैं? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने अर्ज किया, तो फिर मौला इमाम कायम को कायम क्यों कहते हैं? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया तो मलाइका को बेहद दुख हुआ, तो उन्होंने बारगाह खुदा में अर्ज किया, ए हमारे अल्लाह, तेरे मुंतखब बंदे के फरजंद को कत्ल कर दिया गया लेकिन तूने खबर तक ना ली। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तरफ वही की और फरमाया, ए मलाइका, ज़रा सब्र से काम लो, बेकरार ना हो। मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है, मैं इसके कातलों से इंतकाम लूँगा, चाहे कुछ अरसे के बाद ही क्यों ना लूँ। इसके बाद अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जितने आइमा थे इन सब के अनवार से पर्दा हटा दिया, तो मलाइका इन्हें देखकर बहुत मसरूर हुए। इनमें से एक नूर खड़ा हुआ मसरूफ़ नमाज था। अल्लाह ने फरमाया, मैं इसी कायम यानी खड़े हुए के ज़रिए हुसैन के कातलों से इंतकाम लूँगा। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कायम इसी वजह से कहते हैं कि वो आज भी खड़े हुए इंतज़ार में है कि कब मेरा ज़हूर हो और कब मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों से इंतकाम लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मल्कुन तो मौला फहाज़ाली।